सभी को नमस्ते। तो कल स्टेप 5 को लेकर हम लोगों ने असाइनमेंट लिया था। कल यदि हमको कोई बात ऑब्जर्वेशन में आई है या कोई प्रश्न बने स्टेप 5 को लेकर तो रख सकते हैं। तो अभ्यास 2 में हम स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, अर्थात चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके स्टेप 1 में हमने चैतन्य और जड़, यानी मैं और शरीर, इनको अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। स्टेप 2 में हमने मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखा और पाया कि ये सिर्फ सूचना के अर्थ में है, इसमें कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है। फिर स्टेप 3 में हमने देखा कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है वो मेरे निर्णय अनुसार हो रहा है, मैं शरीर को संकेत देता हूँ और शरीर में होने वाली संवेदनाओं को पढ़ता हूँ। फिर स्टेप 4 में हमने स्वयं से संवेदना की दूरी को देखा, तो ये पाया कि मैं संवेदना नहीं हूँ, संवेदना में नहीं हूँ, मेरी संवेदना से दूरी है। और इसी संवेदना को हमने शरीर के हर रंग में देखने का अभ्यास किया ताकि पूरे शरीर से मुझे दूरी दिखाई दे, मैं शरीर से भिन्न हूँ ये मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब स्टेप 5 में हम लोगों ने इस बात को गहरे में देखा कि जो मैं निर्णय लेता हूँ उसका आधार क्या है। यदि समझ आधारित में होता है तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ, अगर कोई मान्यता आधार में होती है तो मैं मेरा आचरण निश्चित नहीं रहता, मैं प्रतिक्रिया भी कर सकता हूँ। तो उस बात को हम लोगों ने 9 स्टेप से बांट कर देखा कि कोई सूचना मुझे मिल रही है जिसको मैं संवेदना को मैं पढ़ रहा हूँ, फिर मैं उसको अर्थ दे रहा हूँ और जो मैं अर्थ दे रहा हूँ अपने संस्कारों के साथ जोड़कर दे रहा हूँ। और यदि मेरा संस्कार समझ आधारित है तो एक प्रकार से अर्थ देता हूँ, अगर मान्यता आधारित है दूसरे प्रकार से अर्थ देता हूँ, फिर वैसे ही मेरे अंदर भाव तैयार होता है, प्रतिक्रिया का भाव या जिम्मेदारी का भाव, तो फिर आवश्यकता अनुसार वैसा ही मैं शरीर को निर्देश देता हूँ और फिर शरीर उसके अनुसार हरकत करता है। तो ये बात हम लोग कल जो 3 तरह के स्रोत हैं संवेदना के, उन तीनों के संदर्भ में ऑब्जर्व करने की बात की थी। तो दूसरे मनुष्य का व्यवहार हो या बाहर की कोई भौतिक रासायनिक घटना हो या शरीर में होने वाली कोई घटना हो, इन सारे परिस्थितियों में मुझे देखना है कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ उसका आधार क्या है, समझ या मान्यता, और वहां पे मेरा संस्कार क्या है। जी, कल हम लोग अलग से अगर आधा घंटे का समय लगाए हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इस बात को स्वयं ऑब्जर्व करने के लिए। कल हम में से कितने साथी अलग से आधा घंटे का समय लगाकर इस बात को देखने का अभ्यास किया, इसको हम लोग विधिवत करें। जी नमस्ते भैया। नमस्ते जी भैया, समय लगाया इस पर तो भैया कुछ है, संस्कार तो बार बार मैं उसी में फंसना हो जा रहा है लेकिन उसका मूल्यांकन सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। जी ठीक है ना, मूल्यांकन तो अभी हम करेंगे, कम से कम संस्कार तो दिखाई दे, फिर वहां से देखेंगे कि वहां मूल्य क्या है, उसमें परिमार्जन कैसे होगा। तो जब स्टेप 6 में जाएंगे उसमें परिमार्जन की बात करेंगे। जी भैया, तो ये तो अच्छी बात है, कम से कम होश तो हुआ। अभी भी हमको हो सकता है समस्या दिखाई दे रही है, वहां पे संस्कार नहीं दिखाई दे रहा, संस्कार मतलब मान्यता नहीं दिखाई दे रही। जैसे हमें ऐसा हो सकता है कि ये दिखाई दे रहा है कि शरीर से कोई दर्द हुआ और मैं परेशान हुआ, तो इस परेशानी को देखकर मैं और परेशान हुआ, देखो मैं अभी परेशान हो रहा हूँ, बट मैं परेशान क्यों हुआ, वहां हमने क्या माना हुआ है, शरीर को किस रूप में स्वीकारा हुआ है, वो हमने अभी नहीं देखा, तो अभी वहां पे जाके देखना है कि नहीं। जी भैया, कोई संवेदना को मैं अर्थ दे रहा हूँ, ठीक, अर्थ के पीछे आधार में क्या है, मेरी मान्यता है या समझ है ना, वहां मेरा संस्कार क्या है उसको देखना है, फिर उसमें फिर परिमार्जन की बात करेंगे। संस्कार का मतलब जो हमारे अंदर स्वीकृतियां बन गई हैं, वो समझ आधारित भी हो सकता है, मान्यता आधारित भी हो सकता है, इच्छा के स्तर पर जो स्वीकृतियां बन गई हैं उसको संस्कार कह रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा होता है, पेड़ पौधे ये होते हैं, पशु पक्षी ये होते हैं, है ना, जीना ये होता है, संबंध ऐसे होते हैं, परिवार का यही मतलब होता है, शरीर का यही मतलब होता है,
संबंध का यही मतलब होता है। ये सब जो हम स्वीकार लेते हैं अपने आप में, इसी को संस्कार कह रहे हैं। ये जो हमारे अंदर स्वीकृतियां बन जाती है, मान्यताएं बन जाती है। जी भैया, भैया संबंध को लेकर ही जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फर्स्ट का, उसमें भैया उसको जब बारीकी से देखने जाते हैं तो उसमें ही डाउट बना रहता है कहीं ना कहीं। हर क्षण वो स्थापित नहीं हो पा रहा है, इसको ये देखने में आता है कि भैया वो बार बार उसी में चूक हो जाती है। फिर मतलब थोड़े लंबे समय के लिए तो रहता है वो, लेकिन जो आप बोलते हैं कि हर क्षण की बात है, लेकिन उसमें हर क्षण में ऐसा हो नहीं पाता है, तो चूक तो हो ही जाती है उसमें, ऐसा है। हाँ ठीक है ना, ठीक। ध्यान तो बना रहता है लेकिन लंबे समय के बीच में बना रहता है कि वापस तो आ जाते हैं वहां पर, लेकिन फिर चूक तो यही हो जाती है। जी भैया ऐसा है जी, जो संबंध का मामला है ना, उसमें तो मुख्य रूप से भाव का मामला है, क्योंकि दूसरे के व्यवहार की सूचना आ रही है ना, वहाँ पे हमारा फिर भाव कोई ट्रिगर होता है, उससे हम परेशान होते हैं, फिर हम रिएक्टिव हो जाते हैं। तो उस भाव पे तो अपने को काम करना है, उसको हम लोग कई बार अपने को ब्लेम करके आगे बढ़ जाते हैं कि भाई है ना ये ठीक नहीं है, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं अभी समझ नहीं पाया हूँ, कुछ में और गति होनी है, बट वो ब्लेम करके आगे बढ़ने से नहीं निकलता है। आप वहाँ देखिए कि ये जो मैंने कहा या किया क्यों किया, क्योंकि वहां पे उस परिस्थिति में मुझे वही समाधान लग रहा था, और अगर ये समाधान नहीं तो क्या समाधान है। तो एक स्थिति है कि हम अपने है ना बेहोशी में जी रहे हैं, हमें नहीं पता। दूसरी स्थिति की होश तो आया बट हम अपने आप को ब्लेम करके आगे बढ़ जा रहे हैं। तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि मैं जाकर उसको बारीकी स्टडी कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली ऐसा क्यों है, क्या मैंने माना हुआ है ना, और उसके आगे की स्थिति होगी अगर ये माना हुआ है ठीक नहीं है तो यहाँ समझ क्या है, यहाँ समझना क्या है, सही क्या है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, ठीक है, आप शब्द ही बोल रहा है, अब आपको इरिटेशन हो रहा है, अब आप सोचें कि अगर ये डेट नहीं होते तो क्या होता है, यानी क्या हम उसको ऐसे बोलते रहने दें। अब आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न पहुंचते हैं, क्या हम गाजर मूली हैं, कोई भी आए और हमको काट के चला जाए, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर बनते हैं। अब इसका उत्तर हमारे पास अगर ना हो तो हम इरिटेट हुए, अपने आप को ब्लेम किया कि देखो हमारी स्थिति अभी ठीक नहीं है, इरिटेट हो गए, जिम्मेदारी तो मेरी है, मेरे भाव की जिम्मेदारी मेरी है, बट हम पहुंचे नहीं अपने संस्कार तक। ये जो मेरे अंदर प्रश्न रह गया कि क्या मैं गाजर मूली बन जाऊं, कोई भी आकर है ना काट के चला जाए, कोई भी आकर कुछ भी कह के चला जाए, तो अगर ये ना हो तो क्या हो, अब हमें बात का उत्तर नहीं है हमारे पास, तो बार बार होगा। अगर इस बात का उत्तर ढूंढ के निकाल लेंगे स्वयं में तब ऐसा नहीं होगा। जी भैया कि नहीं? जी भैया जी। लगता है एक चीज और यहाँ पर कहना था, लगता है कि प्रश्न जो मूल समस्या है उसको तो ढूंढ लिया है, फिर जीने जाते हैं, फिर चूक हो जाती है, फिर लगता है कि एनालिसिस करके ही देखा है उसको, देखने का काम जो समस्या है उसको देखने का काम नहीं हो पाया है, तर्क पूर्वक ले आए हैं कि यहाँ ऐसी गलती हुई थी तो मैंने ऐसा व्यवहार किया या फिर ऐसा रिएक्ट किया। जी और इसको जी भैया एक संबंध पूर्वक जैसे भाव की बात है तो उसको चित्रित भी करते हैं, थोड़ी देर तक चित्रण में भी ये बैठता है, लेकिन फिर जीने जाते हैं, फिर ऐसी गड़बड़ी हो जाती है जो हर पल की बात हो रही है, यहाँ पर भैया ऐसा चूक हो रहा है अभी। हाँ, अब ये यहाँ पे और ऑब्जर्व करें कि ये हर पल जो गड़बड़ी, किसी एक पल को चुन लें, क्या गड़बड़ी हुई, क्यों गड़बड़ी हुई जी, क्या है जो मुझे क्लियर नहीं है, उसको नोट करें, ऑब्जर्व करें। ये जो ध्यान देना है ना अपने ऊपर, तो आप पाएंगे कि जैसे हम चलते हैं ना तो बड़े बड़े डेग लेके चल रहे हैं, तो हमने एक जगह जमीन को छुआ, उसके बाद हमने 2.5 फुट आगे जमीन को छुआ, बड़े बड़े डेग लेके चल रहे हैं, फिर 2.5 फुट आगे जमीन को छुआ, अब और थोड़े छोटे डेग कर लिए, स्टेप्स कर लिए, तो 1-1 फुट पे छूते हैं जमीन को, ठीक। अब आपको समझिए इंच बाय इंच चलना है, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर चलना है, वैसे ही हम जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो बीच में कुछ भी स्किप ना हो, इस बारीकी से ऑब्जर्व करना है। तो घटनाएं हुई, घटनाओं के बीच में ऑब्जर्व कर लिया, भाई ये घटना हुई ठीक नहीं हुआ है ना, दिन में 4-5 बार ऐसा हो गया। अब हम उसको और बारीकी से देखें कि घटना के पहले क्या भाव विचार था, उसके बाद क्या भाव विचार है, इसको और भीतर जाके देखें वहां संस्कार क्या है, संस्कारों को स्किप ना करें, फिर वहां देखें समाधान क्या है,
इसको शार्पन करना है, इसको जैसे हम लोग प्रयोग विधि से भी अपने आप में कुछ प्रयोग कर सकते हैं कि आधा घंटा बैठ के अपने ऊपर ये रिसर्च करें, हम इसको लिख लें कि मैं यहाँ पे इरिटेट हुआ, परेशान हुआ, दुखी हुआ, क्रोधित हुआ, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक, क्यों हुआ उसको लिखें, और क्या माना हुआ हमने उसको लिखें, और अगर ये माना हुआ ठीक नहीं तो यहाँ पे समझ क्या है इसको भी लिखें, और आप पाएंगे यहाँ पहुंचते पहुंचते हमारे अंदर 10 प्रश्न और बन जाते हैं और हम अनक्लियर हो जाते हैं। तो ये काम जब तक हम विधिवत नहीं करते हैं अपने ऊपर, है ना, तब तक वो बड़े बड़े डेग लेके हम चलते रहते हैं और हमारा ध्यान स्किप होता रहता है, जो अंडरलाइंग संस्कार है वो दिखते नहीं है, फिर उसमें बरसों लग सकते हैं। बट यदि हम इसको विधिवत करें तो कुछ कुछ संस्कारों से तो हम हो सकता है अगले 10 दिन में उभर जाए उभर जाए जी भैया। तो इसका मतलब भैया अभी ठीक से एनालिसिस भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहना ठीक है? अब एनालिसिस भी नहीं कर पा रहे हैं, इमेजिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो समझने की वस्तु उसको तो नहीं कर पा रहे हैं, अपने व्यवहार को या विचार को भी ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं, ये भी और देख लें। तो ठीक है, अभी ये स्थिति है, इसको और बेहतर करना है। देखिए, हम ये अपेक्षा क्यों लगा लेते हैं कि इतना समय लगा के इतना परिमार्जन हो जाना चाहिए, ये भी एक मान्यता है जी जी जी। तो वो ना करके हमको जो भागीदारी करनी है, स्वयं में भी जो भागीदारी करनी है, परस्परता में भागीदारी, उस पर ध्यान देंगे, फल परिणाम पे नहीं। फल परिणाम तो सहज रूप से आएगा ही, क्योंकि वो तो नियम बना हुआ है, अस्तित्व अस्तित्व पूर्वक है ही, उसका फल परिणाम आएगा ही। थोड़ा सा ये जो हड़बड़ी होती है फल परिणाम पाने की, ये आस्वादन के स्तर की स्थिति है, कुछ आस्वादन में चले गए, है ना, ऐसा हो रहा है वैसा, ऐसा नहीं। उसके मूल में देखें विचार क्या करना है, उसके मूल में देखें भाव क्या सुनिश्चित होना है, उसके मूल में देखें संस्कार क्या है, उसके मूल में देखें यहाँ परिमार्जन से क्या कैसे निवृत्ति होगी, समझ क्या है। तो ये जो आस्वादन का स्तर है, आशा का स्तर, से ऊपर उठ के अपने को इच्छा के स्तर पर जाना है और वहां भी परिमार्जन के लिए काम करना है। तो ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, है ना, हमने देखा ठीक नहीं हुआ, बट हमने ये मान लिया कि अब सब ठीक ही होना चाहिए, ऐसा क्यों हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी श्वास ठीक ना हो और कोई आपको कहे कि भाई आप सुबह टहला करिए, है ना, या आप योग किया करिए, आपने करना शुरू किया और फिर थोड़ा हाथ में दर्द हुआ, क्या फायदा, देखो अभी भी हाथ में दर्द हो रहा है, फिर कुछ हुआ, फिर देखो इतने से योग कर रहे अभी भी ऐसा हो रहा है। तो ये फिर क्या हो रहा है कि हम फल परिणाम से देख रहे हैं, हमारे अंदर संयम का भाव सुनिश्चित हुआ कि नहीं, शरीर के प्रति जिम्मेदार हुए कि नहीं, ये मुख्य मुद्दा है। बाकी फल परिणाम में उतार चढ़ाव तो होता रहता है परिस्थितियों के योग संयोग से। हो सकता है कल आपको दिन भर गुस्सा नहीं आया, ठीक, हमको लगता है हमारी स्थिति बड़ी अच्छी है, बट कोई परिस्थिति नहीं मिली जिसमें आप ट्रिगर होते जी भैया, अब परिस्थिति बन गई तो आप ट्रिगर हो गए। तो ये जो फल परिणाम में आकलन करते हैं ना हम लोग कई बार, ये भी एक मेजर चूक है कि फल परिणाम में आकलन करने जाते हैं। आकलन तो मेरे भाव में ही हो जाता है, तो हम भाव में आकलन कर रहे हैं या जाके फल परिणाम के स्तर पे कर रहे हैं? फल परिणाम में तो बहुत सारी चीजों का योग संयोग, बहुत सारी चीजों का योग संयोग है। जैसे ऐसा हो सकता है कि दोनों के संबंध अच्छा चल रहा है फल परिणाम के रूप में, बट इसका कोई अर्थ नहीं है, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि दोनों का भाव समझधारित है, मान्यताएं मिल गई है ना, इसलिए टकराहट नहीं हुई संबंध में। कहीं हो सकता है किसी व्यक्ति में, है ना, समझ के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के कुछ सदस्य समझ के लिए काम नहीं कर रहा, टकराहट हो रही है, परंतु ये स्थिति उससे बेहतर है। तो हम अगर फल परिणाम के रूप में देखें तो यहाँ ज्यादा डिसहार्मनी है फैमिली में, है ना, पहली फैमिली में कम डिसहार्मनी है, बट यदि हम सेल्फ के डेवलपमेंट को देखें तो सेकेंड में स्कोप ज्यादा है, और लॉन्ग रन में देखें तो यहाँ फैमिली में हार्मनी होगी और ये फैमिली सोसाइटी के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक बनेगी, ये सेकेंड फैमिली है, क्योंकि हार्मनी इन द सोसाइटी के लिए भी काम करेगी। पहली फैमिली से पूरी समाज का शोषण करके संग्रह करके आपस में संबंध को ठीक चलाने में लगा हुआ है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं है कि नहीं। तो ये फल परिणाम के स्तर पर आकलन ना करके भाव में ही आकलन कर ले, संस्कार में ही आकलन कर ले, तो ज्यादा अच्छी गति मिलेगी कि नहीं। अब वो संस्कार अभी भी बने हुए, घटना तो बीत गई, वो संस्कार बने हुए हैं, और जब भी ऐसी कोई बात होगी भाव फिर से आ जाएगा, संस्कार यथावत है बने हुए, वो भाव उमड़ उमड़ कर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि संस्कार यथावत बने हुए,
ठीक, उस पर अगर हम काम ना करें तो फिर तो ऐसी बात है कि भाई तो रोग है उसका जो है ना कारण है वो तो बना हुआ है, हम ऊपर से ढक दें उसको, ऊपर से कुछ कर रहे हैं तभी तो हम लोग फिर इसकी बात कर रहे थे, व्यवहार को हम देख रहे हैं और वहां पे हम चुप रह जाते हैं, नहीं बोलते हैं, ठीक तो वो भी एक तरह की बात है। बट स्टोर भीतर जाके कहते हैं कि तो संस्कार बना हुआ है तो भाव तो उमर उमर कराएंगे, उसका कारण फिर व्यवहार आएगा, हो सकता है भाव आया उमर कर विरोध का बट हमने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, शरीर को संकेत नहीं दिया तो भी हमारी समाधान स्थिति तो नहीं हुई। तो अब तो हमको व्यवहार से पीछे जाकर विचार, विचार से पीछे जाकर भाव, भाव से पीछे जाकर संस्कार, और संस्कार में भी क्या परिमार्जन होना है वहां जाके देखना है, उतनी बारीकी से देखना है। ठीक है अभिषेक भैया। भैया मैं, जी भैया मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए कि जैसे लेवल फिफ्थ तक जब स्टेप फिफ्थ तक जब मैं आती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैं अपने संस्कारों को जैसे बहुत डीपली एनालाइज करती हूँ और जो भी मैं डिसीजन लेती हूँ उसको करके तो मैं डिस्टर्ब भी नहीं होती हूँ और मेरा जैसे कि वो शिकायत का भाव कर सकता। बट वही बात है जैसे आपने अभी बोला है कि कहीं हम कोई ऐसे डीप संस्कार देखते हैं कि जैसे दो जन्म के बीच में हम कहीं गए और कोई भी जैसे चाहे कोई उपहार की तौर पे या कोई चीज ऐसे एक दो जने को दिया गया लेकिन वहां जैसे कई बार कंपैरिजन बहुत हो जाता है कि किसका ज्यादा है कि मेरा ज्यादा या उसका कैसा है या मेरा कैसा है, तो जैसे वहां पे थोड़ा सा जैसे स्थिति हिला कि ये देखो कंपैरिजन हो रहा है अब ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मैं कर मेरी वजह से कहीं ये डिस्टर्ब हो रहा है तो ये फिर मान्यता हो रहा है या मेरी कहीं संस्कार तो नहीं बन रहा है और यही तरह से जितने हमारे संबंध समझ पे आधारित होते जाते हैं इन सब चीजों का महत्व नहीं रह जाता, कम हो जाता है ना। तो अभी क्या हुआ कि अभी संबंध हमारे समझ पे आधारित हो सकता ना हो, सुविधाओं पे आधारित हो, शरीर पे आधारित हो, है ना, मान्यताओं पे आधारित हो संबंध हमारे, तो इसलिए इन सब चीजों का है ना महत्व बना रहता है। एक बार वो समझ पे आधारित हो जाए, अगले आदमी को दिखाई दे रहा आपके बारे में कि आप तो ज्ञान के लिए, समाधान के लिए, समाज में व्यवस्था के लिए अपना तन मन धन लगा रहे, तो उसको हार्डली मैटर करता है कि आप जैसे उपहार दे रहे हो कितने का है, उसको पीड़ा होती है ना कि आप तो अपना तन मन धन ऑलरेडी लगा रहे उसमें से क्यों निकाल कर उसको उपहार दे रहे हैं भाई, बल्कि सोचता है कि आपको कैसे कंट्रीब्यूट करे। तो संबंधों को हमें समझ के आधार पर परिभाषित करने की जरूरत है, उससे पहले ये उथल पुथल या द्वंद बना ही रहेगा। अगली एक बार ये अगले व्यक्ति को दिखाई देने लगे कि आपने जो संबंध को स्वीकारा है वो शरीर के आधार पर, सुविधा के आधार पर या मान्यता के आधार पर नहीं है ना, बल्कि समझ और भाव के आधार पर स्वीकारा है, और आपका जीना ऐसा है कि ऑलरेडी आप व्यवस्था के लिए, संबंध के लिए अपना तन मन धन लगा ही रहे, उसमें से एक हिस्सा लेने में उसको पीड़ा होगी, ये क्या मैं इनसे एक हिस्सा क्यों ले रहा हूँ, ऑलरेडी अपने आप सब कुछ लगा ही रहे ज्ञान के लिए, समाधान के लिए, कि नहीं अभी उस स्थिति में हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप ऐसा देख पाएंगे कि जब तक उस स्थिति में हम नहीं पहुंचते ये सब उथल पुथल उतार चढ़ाव लगा रहेगा और ये द्वंद बने रहेंगे। तो हमको इसमें आपको उस समय तात्कालिक रूप से जो भी करना है कर लीजिए, परंतु समाधान तो वहीं दिखाई देगा कि हम उस स्तर पर जाकर जीना शुरू करें, वहां पहुंच के जी पाए हम। जी भैया, लेकिन भैया यहाँ पर जो तो ये दिखता है ना कि मुझे तो किसी से ऐसा अपेक्षा नहीं रहती है कभी, मैं मतलब उसको देख पाती हूँ आराम से, बट जब परिवार में इस चीज को देने जाते तो उनको ये भी समझ है कि हाँ ये मतलब जिस चीज के लिए कर रही है वो जहाँ पे है वो है, वो तो करेगी अपने हिसाब से समझ से कर रही है, बट उनके आपस में कंपटीशन थोड़ा सा ऐसा आता है कि मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए या मेरा बेटर होना चाहिए, तो मुझे वहाँ थोड़ा लगता है कि क्या मुझे वहाँ पे अपने संस्कार को बदलना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बड़े मतलब भागीदारी वहाँ पे ये लगता है कि मेरे ख्याल से तो और यहाँ पे समझ बनाए कि भाई बहुत समझ के साथ ही भाई
मतलब उस चीज को फिर क्या इकट्ठे नहीं दिया जाए, अगर एक परिवार में एक जगह में हम मिल रहे या बैठे हैं तो क्या उसको अलग से रैप करके दिया जाए या क्या, क्योंकि वो कंपैरिजन भी आता है, फिर वो थोड़ा सा संस्कार हिलता है कि देखो मैंने तो भाव से दिया, प्यार से दिया, पर एक लिमिट के बाद तो ये लगता है कि ये भी चीजें बहुत लिमिट तक रह गया, फिर तो बड़े चीज के हिसाब से आप सोचो कि भाई आप आपका प्रश्न समझ में आ गया है ना। देखिए अभी आप जो सारा प्रश्न कर निर्वाह के स्तर पे कर रहे हैं है ना, छुपा के दे दे, दिखा के दे दे, बता के दे दे, साथ में दे दे, अलग दे दे, इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा जैसे भी कर ले। निष्कर्ष तो इस बात में है कि हमने संबंध को किस आधार पर परिभाषित किया है। देखिए संबंध में जब हम देन देन के भाव से चलते हैं ना, अभी संबंध तीन प्रकार से निर्वाह हो सकते हैं। देखिए लेन लेन के भाव से कि मैं भी सोचता हूँ मैं दूसरे से अधिक ले लूं, दूसरा भी सोचता है कि दूसरा मुझसे अधिक से अधिक ले ले, ये लेन लेन का भाव है। देखिए लेन देन का भाव हम सोचते हैं अधिक से अधिक ले लें दूसरे से, और दूसरा सोच रहा अधिक से अधिक दे दे, और तीसरा संबंध का तरीका है देन देन का भाव, मैं सोचता हूँ कि मैं अधिक से अधिक दूसरे को दे दूं, दूसरा भी सोचता है मुझे अधिक से अधिक दे दे। तो जो उभय सुख है वो तो देन देन के भाव से ही, ये जितना भी आप गणित लगा लें जब तक लेन लेन या लेन देन बना हुआ है ना, उसमें ये पीड़ा रहेगी, कम से कम हमारे अंदर तो देन का भाव जी भैया वही मेरे को कल ही। रुके रुके अभी आप उसको भाव के स्तर पर नहीं देख पा रही है ना, भाव के स्तर पर देखेंगे तो समाधान निकलेगा। अगर हम मेयरली एक्सप्रेशन के लेवल पे देखेंगे है ना, जो लेन देन हो रहा है, निर्वाह हो रहा है, उसके स्तर पर देखेंगे तो ये कठिनाई बनी रहेगी। कभी पहले हम संबंध को देखें तो हमने किस तरह परिभाषित किया है, जैसे आप जिस कुनबे में जा रही हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में जा रही हैं, वहाँ संबंध की परिभाषा ही शरीर पर आधारित है ना, कि हम एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारा रक्त संबंध बना हुआ है, ब्लड रिलेशनशिप है, इसलिए हम उसको पहचान रहे हैं। हम संबंध को सेल्फ टू सेल्फ कहाँ देख पा रहे हैं, तो रहेगा ही, उसको आपको तात्कालिक रूप से समस्या को कम करने के लिए जो भी करना बनता है कर लीजिए, कई प्रकार से उसको आप, बट कोई यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं होगा। यूनिवर्सल सोल्यूशन तो आपको देन देन के भाव से ही दिखाई देगा। ठीक है जी, इसको भैया देख पा रही हूँ, मेरा यही पे संकल्प चला थोड़ा सा, जैसे भैया पीछे ऐसे सुना हुआ है जैसे कि यूएचपी के सारे, तो मेरा एक थॉट चला कि जैसे होता नहीं कि एक व्यक्ति को कि भाई तेरा तो तेरा, मेरा तो मेरा, पर तेरा भी मुझे ही मिल जाए, मतलब मुझे वो फिर भाई वो फिर भाव वहाँ खत्म हो जाता है, फिर ये लगता है कि नहीं एक लिमिट तक रहे क्या करें, तो मेरा थोड़ा सा ये क्या हुआ, अगर हम समझ वाले भाग पे काम ना करें तो हमारा भाव में उतार चढ़ाव बना रहता है, तो उस पर हम ध्यान दें, और है ना ये जो भाव खत्म हो जाता है या स्नेह के बजाय कोई और भाव आ जाता है हमारे अंदर, कहीं विरोध का भाव आ जाता है, ये सब इसलिए आ जाता है क्योंकि अभी हमारा भाव सुनिश्चित नहीं हुआ है, अगले का भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप में नहीं हुआ, अगले का भी नहीं हुआ, बट अगला चूंकि इसके लिए काम नहीं कर तो बेहोशी में चलेगा ही, आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर तो कम से कम आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। जी बढ़िया दीदी, जी 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 भैया जी, इसको ऑब्जर्व करें अपने आप में। तो स्टेप फाइव में हम लोगों ने जैसा भी चर्चा हो रही थी, अपने संस्कारों को गहरे में देखने का अभ्यास किया और कैसे हमारे अंदर प्रतिक्रिया निर्मित होती है या जिम्मेदारी का भाव निर्मित होता है उसको ऑब्जर्व किया, और फिर उसका एक्सप्रेशन जाता है। ये भी बात निकल कर आई कि कई बार हमारा ध्यान एक्सप्रेशन पे तो रहता है ना, बट उसके आधार में जो हमारा अर्थ देना है, जो हमारा संस्कार है, उस पर कई बार नहीं जाता, तो उसको थोड़ा सा अपने और बारीकी से काम करना है, समय लग सकता है, और हम उसके लिए बहुत ये भी न माने कि फल परिणाम आ जाना चाहिए। देखिए फल परिणाम को एक्सप्रेशन में देखने जाएंगे तो आकुलता व्याकुलता होगी, हड़बड़ी होगी, नहीं दिखाई देगा, निराशा होगी है ना, शंका होगी, कई बार हो सकता है पूरे वस्तु पे ही, पूरे प्रक्रिया पे ही शंका होने लगे, क्योंकि हम फल परिणाम के रूप में देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति एक बीज लगाए, अब वो अंकुरित हुआ, पौधा बन रहा है, ठीक, और हमको लग रहा है पता नहीं वृक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा, हम बार बार उसको उखाड़ के देखें या खिला डुला के देखें कि वृक्ष बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, अभी तक तो बना नहीं, तो वो बीज कभी भी वृक्ष नहीं बनेगा कि नहीं, बल्कि हमको ये दिखाई दे कि इस बीज से वृक्ष बनने में जो प्रक्रिया है वो हमको दिखाई दे रही कि नहीं, पानी समय से पड़ना चाहिए, मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी रहनी चाहिए, इसको अच्छा धूप मिलना चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, उस पर ध्यान देंगे बीज से वृक्ष बनना तो प्रकृति सहज प्रक्रिया होगी ही, उसको हमको हर बार जड़ से हिला के देखने की क्या जरूरत है। वैसे ही अगर हमारा संस्कार में परिमार्जन होगा, समझ सुनिश्चित होगा,
हमारे भाव सही होंगे, भाव सही होंगे तो विचार सही होंगे, उससे हमारा निर्वाह सही होगा ही। तो ये जो निर्वाह के स्तर पे हम परेशान होते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है ना। हम जाके वहां देखें कि हमारे संस्कार में क्या है। इनफैक्ट जो व्यवहार में आ रहा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत सारा आपके गहरे में फंसा हुआ है जिससे छोटा हिस्सा व्यवहार में दिखाई दे रहा है। बट आपके गहरे में क्या क्या फंसा हुआ है, आप जब अपने आप को खंगालना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, तो आपको वहां दिखाई देता है कि देखो मैंने ही हठ पूर्वक जिद पूर्वक इन सारे संस्कारों को बना के रखा हुआ है क्योंकि मुझे ये बहुत मूल्यवान लगते हैं, उसके पीछे मेरे कारण है। अगर मैं ना करूं तो कहो मेरा परिवार ना नष्ट हो जाए, कहीं शरीर ना नष्ट हो जाए, दुनिया वाले तो हमको जीने नहीं देंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, है ना। हम ही ने उसको पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं, ये अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात है। तो स्टेप सिक्स में ये बात कह रहे हैं कि बाहर की घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया को देखने की बात है। तो जो तीन स्रोत हम लोगों ने बात की कि दूसरे मानव का व्यवहार, बाहर की कोई भौतिक रासायनिक घटना या शरीर में होने वाली घटना, तो इन तीनों के आधार पर देखें, जैसे कोई दूसरे मनुष्य का व्यवहार हो रहा है तो भी शरीर में संवेदना उत्पन्न हो रही है, बाहर कोई भौतिक रासायनिक घटना है तो शरीर में संवेदना उत्पन्न हो रही है, और शरीर में कुछ हो रहा है तो उत्पन्न तो हो ही रही संवेदना, उसको मैं पढ़ता हूँ, संवेदनाओं को पढ़ता हूँ, फिर अपने संस्कार के साथ जोड़कर उन संवेदनाओं को मैं अर्थ देता हूँ। जो मान्यता आधारित भी हो सकती है, समझ आधारित भी हो सकती है, फिर क्या करना है इसका निर्णय लेता हूं मैं, और जिम्मेदारी पूर्वक हो सकता है या प्रतिक्रिया भी हो सकती है, फिर आवश्यकता हो तो शरीर को सूचना देता हूं। ये क्रम हम सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? हम लोग ऐसा करते हैं, इस पे 10 मिनट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, फिर इस पे आगे बात करेंगे। ये पूरा क्रम देखें, है ना, और जितनी अभी सुबह से चर्चा हुई उसको भी अपने आप में एक बार रिविजिट कर लें। ये देखिए मुद्दा एक्सप्रेशन का नहीं है, हमारे संस्कारों का है, भाव का है। उस पर गंभीरता से काम करेंगे तो दिखाई देगा कि एक्सप्रेशन में तो बहुत थोड़ा सा आया है, बहुत बड़ा हिस्सा तो अंदर बैठा हुआ है जिसको मैंने ही जकड़ा हुआ है, मैंने ही उसको बहुत मूल्यवान बनाकर संजोया हुआ है, अपने अंदर बैठाया हुआ है, रोका हुआ है, खुलने नहीं देता हूँ मैं उसको। क्यों नहीं खुलने देता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है अगर ये खुल गया तो मेरा सुख चला जाएगा, है ना, शांति चली जाएगी, तो मैंने ही उसको बना के रखा हुआ है। ये जो मैंने बना के रखा हुआ है उन्हीं के आधार में अर्थ दे रहा हूं, और हमें समस्या बाहर दिखाई दे रही है, या कभी अपनी समस्या भी दिखाई दे रही है तो एक्सप्रेशन में, विचार में दिखाई दे रही है, संस्कार तक पहुंच के नहीं देख पा रहे। तो ये अपने आप को देखना है। शरीर को सूचना तो मैं बहुत बाद में देता हूँ, उसके पहले जो कुछ मेरे अंदर घटित हो रहा है। जी बढ़िया, भैया लाइट लगा दीजिएगा। किसी को कोई ऑब्जर्वेशन हो, प्रश्न हो? नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, एक प्रश्न ये था कि मैं मतलब थोड़ा सा बता दूं, मैं मेरे कॉलेज में क्या है कि कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ मतलब जॉब से रिलेटेड है, तो उसमें कुछ ऐसा है कि हम 10 लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया था, तो उसमें से ये है कि 2-3 लोग हम ऐसे हैं जो कोई एक रास्ता लेके हम निकल सकते हैं, मतलब एक स्कोप है, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि सबके साथ दिक्कत है। तो उसमें क्या है कि अब जॉब का मैटर है, तो एक तरफ मैं फैमिली देखता हूँ, एक तरफ मेरे वो कलीग देखता हूँ, तो फैमिली को देखता हूँ और उनका ये विचार है कि नहीं हमें अपना काम बना के निकल जाना चाहिए, और जो मेरे कलीग हैं पहले से मैं थोड़ा सा लीडरशिप करता रहा हूँ, तो उनका है कि नहीं आप साथ में रहिए, आप अलग क्यों जा रहे हैं। अब इसमें मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, तो इसमें मैं अपने संस्कार तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ और विचारों में बड़ा उधेड़बुन है, लेकिन ये क्लियरिटी है कि जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अपना काम करके निकल जाऊं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अब अगर वैसा करके निकलूं तो परिवार का फंसता है। अब ऐसी स्थितियों में कैसे सोचें, क्या करें, ये एक आपसे प्रश्न था भैया। जी, मूल रूप से प्रश्न ये है कि हम कई लोगों का साथ साथ कोई कार्यक्रम है, सबके अपने अपने संस्कार बने हुए हैं,
है ना, और संस्कार समझ पे आधारित नहीं है। तो एक व्यक्ति की इच्छा को पूरा करते हैं तो दूसरे व्यक्ति की इच्छा पराजित होती है, दूसरे की इच्छा वो पूरी करते हैं तो पहले की इच्छा पराजित होती है। जी भैया, और परिवार में भी यही होता है, परिवार परिवार संबंध में भी यही हो रहा है, समाज में भी यही होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे समाधान तो ये है कि सही इच्छा क्या है हमको पहचाने, और उसके लिए हम परिवार से भी संवाद करेंगे, दूसरे व्यक्ति से संवाद करेंगे, हमको दिखता है कि यही मेरी भागीदारी है। हम उसको फिक्स करते हैं कि भाई मेरी भागीदारी जब भी होगी संबंध के अर्थ में होगी, व्यवस्था के अर्थ में होगी, है ना, किसी के शोषण के अर्थ में नहीं होगी, चाहे प्रकृति हो या मनुष्य, संग्रह के अर्थ में नहीं होगी, ये हम स्पष्ट कर दें। इससे थोड़े दिनों में ऐसा हो सकता है कि थोड़े संबंध के निर्वाह में कठिनाई हो, कुछ रिएक्शन आए दूसरी तरफ से, बट आपको कम से कम अपनी विधि तो फिक्स करनी पड़ेगी, है ना, और उसको आप फिर संवाद करें लोगों के साथ, देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक। और जो दो पक्ष हैं उनको अगर आप साथ में बैठा के संवाद करा पाए तो और अच्छा। ये दो पक्षों से आप अलग अलग इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की इच्छा को आप अलग अलग ढंग से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, इन दोनों का अगर साथ में कोई संवाद हो जाए और फिर एक दूसरे का मूल्यांकन कर ले, एक दूसरे के समझ के लिए पूरक हो जाए तो बहुत अच्छा। तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, अगर जो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन बताए उसको जनरलाइज किया जाए तो मूल बात इतनी है कि हम सब अपने अपने संस्कारों के साथ बने हुए। तो इसमें भैया मैं अपने संस्कार को कैसे पकड़ूं, मतलब मैं तो दो जगहों में फंसा हुआ हूं, मैं अपना संस्कार कैसे देखूं? देखिए संस्कार हमें इस रूप में दिखना है कि संबंध में उभय सुख का आधार क्या होगा, इच्छा को पूरा करना या समझ को सुनिश्चित करना। हम मान लेते हैं इच्छा को पूरा करना, जी ये हमारा संस्कार है। ठीक है भैया, मतलब समझ को सुनिश्चित करना, ठीक है। इच्छा को पूरा करने से वह सुख नहीं होता, ये बात आपने को स्पष्ट होना चाहिए। हाँ नहीं होता, तात्कालिक रूप से सामयिक रूप से कभी कुछ हो जाए, है ना, बट उसमें निश्चितता भी नहीं होती, निरंतरता तो नहीं होती, सार्वभौमिकता नहीं होती, इसलिए आप पाएंगे कि संबंधों के निर्वाह में कठिनाई होती है। ठीक है भैया, थैंक यू। बढ़िया भैया, अब एक और उदाहरण ले रहे थे इसी से जुड़ा हुआ। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे, तीन लोग हैं, एक को चाहिए कि भाई, है ना, जैसा कमरे का टेम्परेचर हो नॉर्मल ठीक है, किसी को चाहिए फैन होना चाहिए, किसी को चाहिए एसी चलना चाहिए। अब आप एक इच्छा को पूरा करें, दूसरा पराजित होता है ना, और आपको निर्णय लेना है। तो यहाँ मूल समस्या यह है कि हम संवेदनाओं से सुखी होने में लगे हुए हैं और संबंध का भाव पुष्ट नहीं हुआ है, नहीं तो उसके बीच का समाधान आपस में संवाद पूर्वक निकल जाएगा। बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं, है ना, विचार के स्तर पर बहुत सारे उपाय बना सकते हैं, अगर संबंध का भाव है और संवेदना से सुख लेने का अभ्यास नहीं है कि नहीं। जी भैया स्पष्ट है, ये आपकी बात स्पष्ट है, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया भैया जी। भैया नमस्ते सभी को। भैया अभी अभी आपने जो उदाहरण दिया तो अचानक मेरा प्रश्न ये बन गया कि संस्कार जो हम बोल रहे हैं, हम तीन लोग अलग अलग टाइप से आपने जो उदाहरण दिया है सोच रहे हैं, तो मैं अच्छा संस्कार उसे मानता हूं कि जो अपनी संवेदना के प्रति ध्यान ना रखते हुए दूसरे लोगों के प्रति ध्यान दे। जैसे कि आपने बोला कि किसी ने बोला कि एसी चलाना है, लेकिन उसके बगल वाला अगर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मेरा संस्कार मुझे ये बोलता है कि भैया जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और तुम्हारी जो संवेदना बनी है उसे मत देखो, बाकी दो लोगों को देखो। तो क्या ये संस्कार सही हुआ भैया? यह अच्छी बात ये हुई कि आपने संबंध को वरीयता दी। जी भाई, बट हमें ये भी देखना होगा साथ में कि स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित होगा। जी जी जी, कोई अपनी इच्छा रखता है एसी चलाने की, हमें लगता है एसी से कष्ट होगा, तो हमने दूसरे की इच्छा को पूरी करने के लिए उसके अनुसार कर दिया निर्वाह, ठीक है चला लो, बट हमको साथ में ये दिखना बनता है कि अल्टीमेटली इसके शरीर का स्वास्थ्य कैसे बनेगा, वो समय से ही तय होगा। ये तो एक अच्छी बात है कि हमने संवेदना से ऊपर संबंध को रखा, बट संबंध के भी आधार में समझ होगा तभी उसमें संबंध में भी तृप्ति बनी रहेगी और उस व्यक्ति को स्वयं में भी तृप्ति मिलेगी, ये दिखना जरूरी है। नहीं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने एक बार दो बार कर दिया, ठीक, अब अगले व्यक्ति ने एक मान्यता के अंदर एक मान्यता बन गई, इस घर में तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ, है ना, मेरी ही चलेगी, मैं सुप्रीम हूँ। तो ऐसा एक बार दो बार इच्छा पूरी करने के बाद आपके संबंध को किनारे रख देते हैं, कहते हैं कि अभी संबंध एक तरफ है, पल तुमसे निपटूंगा,
नहीं भैया, थोड़ा सा एक मिनट और रहना चाहूंगा। हम जो डिस्कशन आज का चल रहा है या कल से शुरुआत हो गई, संस्कार के ऊपर चल रहा है। तो संस्कार जो होते हैं वो, मतलब अभी तक का ये जानना है मेरा कि ये तो बचपन से ही होते हैं भैया, एकदम जैसा सभी घरों में माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उनको भी अच्छे संस्कार दिए गए। तो फिर ये संस्कार देने वाली जो बात अभी हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये थोड़ा सा व्यवहारिक बोल रहा हूँ मैं कि बड़ी भागीदारी समझ के, तो यही मैं करेक्ट कर देता हूँ, यही मैं करेक्ट करता हूँ कि संस्कार देने की बात नहीं कर रहे, संस्कार हमारे अंदर हर क्षण होता ही है, संस्कार में परिमार्जन की बात कर रहे हैं। तो माँ बाप से भी हमें कुछ संस्कार मिले गलत या सही, वातावरण से भी कुछ मिला गलत या सही, शिक्षा से कुछ मिला गलत या सही, उसके कारण हमारे सुख की निरंतरता नहीं बन पाई। अब उसमें परिमार्जन की बात कर रहे हैं, तो संस्कार देने की नहीं, जो संस्कार बने हुए हैं, जो मान्यताएं बनी हुई हैं, उनको हिला डुला कर है ना, उनको ठीक कर रहे हैं संस्कार, मतलब परिमार्जन। हाँ हाँ हाँ, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे संस्कार ही परिमार्जित हो सभी में। अभी जो हम कर रहे हैं संस्कार तो उनमें है, बच्चों में, मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो संस्कार लेके ही आए हैं, लेकिन उनके संस्कार में अगर मुझे कुछ कमियां दिखाई देती है तो मैं परिमार्जन करने की कोशिश कर रहा हूँ, या हमारा जो ये यूएचवी का प्रयास है ये सभी अच्छे संस्कार के लिए चल रहा है। जी भैया, ये सही है? जी भैया, जी 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 भैया, नमस्ते। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, धन्यवाद भैया। बढ़िया बढ़िया भैया। तो अभ्यास 2 के 6 A में ये कह रहे हैं कि मान्यता आधारित संस्कार होता है तो हमारा जीना प्रतिक्रिया पूर्वक होता है, परतंत्र होते हैं। यदि मेरे संस्कार मान्यता पर आधारित हैं, मैं स्वयं में निरंतर सुख की स्थिति का सुनिश्चित नहीं कर पाता हूँ, इसलिए बाहर से संवेदना से या दूसरों से कोई भाव पाकर सुख पाने का प्रयास करता हूँ, उसी प्रयास में लगा रहता हूँ। यदि मेरे निर्णय संवेदना से प्रभावित होते हैं तो मुझे संवेदना या दूसरे से मिलने वाले भाव अनुकूल लगता है अपने संस्कार के आधार पर, तो मैं सुखी हो जाता हूँ, वो भी एक आवेश है, क्योंकि ये कुछ अनुकूलता बनी इसलिए सुखी हुआ मैं, ये बाहर का एक प्रभाव आया मेरे ऊपर, ये मेरा स्वभाव नहीं बना। मैं इस अनुकूल संवेदना को फिर बनाए रखना चाहता हूँ, इसी को कुछ नाम दिए गए हैं है ना परंपरा में, तृष्णा, राग, आसक्ति, तो क्रेविंग हो जाती है हमारे अंदर। कुछ साथियों का ऐसा भी कहना था कि कई बार कई शब्द हिंदी के स्पष्ट नहीं होते, तो आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख देंगे तो भी मैं उसको कह दूंगा, और वैसे हम लोग जो टेक्निकल वर्ड्स है उसकी ट्रांसलेशन भी कर दिया करेंगे। तो तृष्णा है ना कहा गया उसको, क्रेविंग या राग, अटैचमेंट, आसक्ति, तो उसको इस रूप में देखा गया है। तो मैं अनुकूल भाव को बनाए रखने के पक्ष में निर्णय करता हूँ और अंदर अंदर प्रतिक्रिया करता रहता हूँ। तो ये अनुकूल भाव बना हुआ है तो मैं आवेशित हूँ है ना, एक्साइटेड स्टेट में हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। अब जैसे ये हटता है मेरे अंदर विरोध शुरू होता है, जिसने हटाया, जिस कारण से हटा, मेरे अंदर विरोध का भाव शुरू हो जाता है। क्रिकेट मैच चल रहा है, आखिरी ओवर है, कौन जीतेगा पता नहीं, और हमारा पक्ष जीत रहा है, बड़े एक्साइटेड है, तभी नेटवर्क चला गया, तभी बिजली चली गई। तो आप देखिए मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं, नेटवर्क के लिए, बिजली के लिए, है ना। तो वो जो पहले था वो भी आवेश था, ये जो अब शब्द निकला मुंह से ये भी आवेश है। वो आवेश में ही एक्सप्रेशन अलग प्रकार से, पहले उसको देखकर बिल्कुल बांछें खिली हुई थी, चेहरा खिला हुआ था, उछल रहे थे कुर्सी पे बैठे बैठे, और अब शब्द बोलने लगे बिजली के लिए, नेटवर्क के लिए। तो पहले भी आवेश था, अभी भी आवेश है। तो मुझे संवेदना या दूसरे से मिलने वाला भाव जब प्रतिकूल लगता है अपने संस्कार के आधार पर, तो मैं दुखी हो जाता हूँ, ये भी एक आवेश है। तो मैं इसको हटाने का प्रयास करता हूँ है ना, और मैं प्रतिकूल भाव के विपरीत निर्णय करता हूँ, अंदर अंदर फिर से प्रतिक्रिया कर रहा होता हूँ। तो जो प्रतिक्रिया वाले भाग है उसको हम ठीक से ऑब्जर्व करें, जैसे कोई अनुकूल चीज मिल रही हो उसको भी एक अभ्यास कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान देने का अभ्यास लोगों ने कराया है परंपरा में, क्योंकि अनुकूल चीज मिल रही हो उसको तुरंत बदल दीजिए, और फिर देखिए हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे किसी का अभ्यास ही हो कि जब भी बैठे तुरंत एसी ऑन करो, फैन ऑन करो, पसीना हो रहा है ना, ठीक, अब उसको कहिए भाई आज के लिए यही अभ्यास है कि तुम्हें बिना एसी फैन के रहना है, पसीने से तरबतर हो रहा है वो, फिर वो अपने आप को ऑब्जर्व करे, ये काम आप स्वयं पे कर लीजिए,
हमारा जो गहरा अभ्यास बन गया है उसको आप बदल दीजिए एक दो दिन के लिए, फिर देखिए हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया तैयार हो रही है। जैसे आपका अभ्यास है कि सुबह उठकर हमको कुछ पेय ऐसा मिलना चाहिए, है ना, एक दिन हटा दीजिए और देखिए कैसे हम रेस्टलेस हो जाते हैं। हमको इस कमरे में ऐसा एयर कंडीशनिंग चाहिए, इसको हटा दीजिए, बदल दीजिए, देखिए कैसे हम करते हैं। हमको सुबह नाश्ते में ये चीज चाहिए ही चाहिए, उसको हटा दीजिए। कपड़ा पहन रहा हूँ तो ये चीज चाहिए, श्रृंगार के रूप में ये चीज चाहिए ही चाहिए, एक दिन हटा के देख लीजिए। तो हमको अपने गहरे गहरे संस्कार पता लगेंगे कि कैसे मैं उस अनुकूलता से प्रभाव में हूँ, है ना। और वो भी एक आवेश है, ये करने को काम है। क्या लगता है, इसको हटाकर आप देख सकते हैं, है ना जी? बढ़िया बढ़िया, आज इसको हम लोग करके देखें, है ना, कि कोई अनुकूलता का बहुत गहरा अभ्यास हो, इसके प्रति हमारे अंदर क्रेविंग बनी हुई है, उसका सो कॉल्ड अटैचमेंट बना हुआ है, यानी हमको लगता है कि ये होगा तो ही मेरा सुख है, नहीं तो नहीं है। उसको हटा दीजिए थोड़े समय के लिए, और दूसरा हटाएगा तो ज्यादा पीड़ा होगी, खुद से हटा के देख लीजिए और फिर देखिए अभी क्या स्थिति बनी। आपको पता लगेगा कि मैं कैसे इस पर निर्भर हूँ अपने सुख के लिए, क्या मैंने माना हुआ है इसके जड़ में, आधार में, जिससे मुझे लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा जी। अब संक्षेप में कुछ प्रश्न ले लेते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर, संक्षेप में यही है कि कल जो मेरी समझ ने अपनी समझ से जो लेक्चर लिया उसमें मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, पर मेरी बॉडी लैंग्वेज में फर्क आने लग गया। मेरे हाथ में एक पेपर था और वो पेपर मैंने इतना फोल्ड कर दिया कि उस कंसंट्रेशन में मेरे को खुद नहीं पता चला कि मैंने पेपर को कितना फोल्ड कर दिया। और बाद में जब मैं क्लास से बाहर निकली, मैंने कहा पेपर की ये मैंने हालत कर दी, मेरे को पता ही नहीं चला। तो इसमें बॉडी कैसे एक भाई, मैं संवेदनाओं में और कॉन्शियस मेरा काम कर रहा या संवेदनाएं काम कर रही? कॉन्शियस में तो मैं बिल्कुल ये कि मेरे कहीं चूक ना हो जाए, कोई भी टॉपिक ऐसा ना रह जाए कि जो मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन ना कर सकूं। तो यहाँ पर संवेदना भाव मेरा काम कर रहा शायद कि मेरे में चूक ना हो जाए समझ से, पर संवेदनाओं में मैं इतनी हो गई कि मेरे को पता ही नहीं चला बॉडी मेरे कैसे काम कर गई। ये थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, है ना। ये संवेदना जिस रूप में आप एक्सप्रेस कर रही है वैसा मुद्दा नहीं है। तो हुआ ये कि संवेदना तो मतलब शरीर में कोई घटना हो रही है, कोई भौतिक रासायनिक क्रिया हो रही है, उसको संवेदना कर रही है जिसको आप पढ़ रही है। तो अगर आप पेपर को फोल्ड करके चली गई तो इसकी काफी संभावना है कि आपके अंदर कोई विचार चल रहा था और आपने पेपर को फोल्ड करना शुरू किया और ये निर्णय बना लिया कि पेपर को फोल्ड करना है। कब तक करना है ये निर्णय पूरा नहीं हुआ आपका और आप करती चली गई। तो निर्णय तो आप ही का है, शरीर का नहीं है, और ये संवेदना का मुद्दा नहीं है, ये तो आपके भाव विचार का निर्णय का मुद्दा है, आपके संस्कार का मुद्दा है। तो कई बार संस्कार ये हमारी बॉडी में ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता हम क्या कर रहे हैं। रुके, ये बॉडी में संस्कार नहीं है, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है ना, इसलिए संस्कार आप में है जी, संस्कार आप में है, बॉडी में थोड़ी है संस्कार, बॉडी तो जड़ है जी। ठीक, ठीक है जी। तो अपने उस संस्कार को देखना होगा, अपने उस अभ्यास को देखना होगा, मान्यता को देखना होगा। देखिए एक और स्थिति भी हो सकती है ना, जिसको अगर इसके दूसरी तरफ देखें तो अगर हम किसी सही भाव में जिस क्षण स्थापित हो रहे होते हैं, ठीक, तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम जो बाकी निर्वाह कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान कम चला जाता है। तो वो तो एक अच्छी स्थिति है क्योंकि वहां से परिमार्जन की संभावना बन सकती है। हम किसी भाव पे चिंतन करने का अभ्यास कर रहे हैं, उसको ध्यान देने का अभ्यास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमने चूल्हे पे दूध चढ़ाया हुआ, वहां से ध्यान हट गया, हम किसी भाव में ही खो गए, इस सही भाव में खो गए, तो वो एक अलग बात है। फिर उसमें ये नहीं हुआ कि पेपर को फोल्ड करते चले गए, तो भी एक संभावना है ना? तो जब हम किसी भाव में लीन हो जाते हैं तो बॉडी का ध्यान नहीं रहता, हाँ, तो शरीर का बाहर की सुविधाओं का ध्यान नहीं रहता, ये तो बट ऐसा नहीं होता कि हम शरीर से कोई हरकत करते रहे जी। बढ़िया दीदी, धन्यवाद। Depriving one of the situation, like a physical facility, for example, in which one feels comfortable to look for sanskar in oneself, is a new sharing for me.
जी बढ़िया दीदी, इसको करके देखें कि जो भी हमारा अभ्यास बना हुआ है सुविधा का, संवेदना का, शरीर की किसी स्थिति का, उसको बदल के देखिए, है ना। और फिर देखिए वहां हम कैसे चिपके हुए उस संस्कार से। Why people with right भाव will be most of the time being hurt by others than themselves? ऐसा नहीं है, देखिए हमारे अंदर सही भाव होता है तो दूसरा हमारा शोषण शुरू कर देता है, आहत करना शुरू करता है, हमें यूज करना शुरू करता है, ये भी एक भय है हमारे अंदर। तो सही भाव का मतलब ये नहीं कि हम रिलेशनशिप में विथड्रॉ कर लेते हैं, जो कुछ होता है हम उसको अलाउ कर देते हैं, चुप रह जाते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, ये कोई सही भाव नहीं हुआ। सही भाव का मतलब तुमको अपनी भागीदारी दिखाई देती है हर क्षण, तो दूसरे में समझ कैसे सुनिश्चित हो, हम प्रोएक्टिवली उसके लिए काम करते हैं। तो कई बार ये कन्फ्यूजन भी रहता है हमारे अंदर कि जो व्यक्ति क्रूर है ना, चलाकी करता है, वो तो अच्छे से चल पा रहा है, और हम चूंकि चुप रह जाते हैं, कुछ कहते नहीं है, तो लोग हमारा शोषण कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर सही भाव है। सही भाव होता है तो ये जो क्रूर है ना, बदमाशी कर रहे हैं, इनके लिए भी हमको दिखाई देता है कि मेरा कार्यक्रम क्या है। तो हम तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में हर क्षण एक्टिव रहते हैं, भागीदार रहते हैं, और हर व्यक्ति को समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और हमको पूरी क्लैरिटी रहती है, किसी के इंटेंशन में डाउट नहीं रहता। ये भी एक फियर है, इसलिए कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं। जी, एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन में तो अंतर है। एक्सपीरियंस का मतलब ये जो हम निर्वाह कर रहे हैं उसके कारण जो हमारी कल्पनाशीलता प्रभाव पड़ रहा है, उसको एक्सपीरियंस कह रहे हैं, तजुर्बा। रियलाइजेशन मतलब अस्तित्व, सह अस्तित्व है उसको वैसा देख लेना, ये रियलाइजेशन है। जी, हैबिट ऑफ हैगलिंग ऑल्सो अ संस्कार। हाँ बिल्कुल, हैगलिंग का मतलब कि जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं और उसमें हम बहुत बार बार्गेनिंग करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, है ना, वो भी एक संस्कार है। जी बढ़िया, तो कुछ हैंड्स रेज थे बट मुझे लगता है समय तो अभी थोड़ा नहीं रहा, तो आपके प्रश्नों को कल ले लेते हैं। आज असाइनमेंट जो सामने है वो तो रहेगा ही, और साथ में अपने संवेदना के अभ्यास को बदल के थोड़ा देखें, और फिर वहां देखें कि कैसे मैं प्रभावित होता हूँ। जी बढ़िया, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।